मेवालाल चौधरी, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक। कोविड-19 संक्रमण की वजह से उनका निधन हो गया। 19 अप्रैल की सुबह 4:30 बजे पटना के पारस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मेवालाल चौधरी की तबीयत बीते 5 दिनों से खराब थी। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एंटीजन टेस्ट में मेवालाल चौधरी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेवालाल चौधरी पटना के पारस अस्पताल में एडमिट थे। उनकी तबीयत में सुधार नहीं होते देख डॉक्टरों ने उन्हें 18 अप्रैल की रात वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन संक्रमण अधिक फैल जाने से 19 अप्रैल को उनका निधन हो गया। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक मेवालाल के 2 बेटे हैं जो विदेश में रहते हैं। उनके घर पर अभी कोई नहीं है, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने अपने विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नीतीश ने कहा कि मेवालाल चौधरी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। नवंबर 2020 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो कैबिनेट मंत्रियों में शपथ लेने वालों में मेवालाल चौधरी भी थे। वो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। 19 नवंबर को उन्होंने शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला। इसकी कुछ ही देर बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। विपक्ष ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,690 नए मामले सामने आए हैं। पटना के कई सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 संक्रमित हो गए हैं। पटना में इस वक्त तकरीबन 300 डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हैं। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 62 डॉक्टर और 50 नर्स कोविड-19 से संक्रमित हैं और होम आइसोलेशन में हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी 25 डॉक्टर और 27 नर्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। पटना के एम्स में भी 25 जूनियर डॉक्टर, 17 सीनियर डॉक्टर और 65 नर्स संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में हैं। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया है। इस दौरान कोई परीक्षा नहीं होगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और उद्यान भी 15 मई तक बंद रहेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।